the following verbs correctly represent Henry's law? So Henry's law states that the pressure of gas, actually the partial pressure of the gas, is directly proportional to the amount of gas dissolved in any other solvent, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन से. अगर हम हेनरीज इक्वेशन लिखें देन इट वुड बी लाइक दिस, राइट? और वी कैन राइट इट एज, क्योंकि ये जो के है ये हमारा हेनरीज कांस्टेंट है. तो हम अपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट द अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. ओके, अगर हम इनका लॉग लें देन लॉग सी लॉग के प्लस लॉग पी. ओके, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन सी को इन्होंने एम से रिप्रेजेंट किया है. तो लॉग एम is equal to log k plus log p. If we compare this equation with the standard equation of straight line, then it can be written in this way, and log m refers to y-axis, log p refers to mx, and log k, which is a constant, Henry's constant, refers to c. So ऑन वाई एक्सिस आएगा लॉग एम, एक्स एक्सिस पे लॉग पी, एंड दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो हमारा आंसर ए या फिर सी में से कुछ होना चाहिए, क्योंकि लीनियर इंक्रीज हो रहा है तो बी नहीं होगा. अब यहाँ पे एक फैक्टर सी है जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को, राइट? तो यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई सी curve correctly represent Henry's law and a right answer.